अगर इस प्रकार का संख्या को स्क्वायर करना है तो हम ठीक पे कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है इसको और आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये संख्या 99 लिखा गया है ना, तो इसको यानी कि 98 लिख दीजिए। क्या ये संख्या 99 लिखा गया है, इसको 98 लिख दीजिए। ये संख्या 99 लिखा गया है तो 99 रहने दीजिए, लास्ट वाला वैल्यू को 8 कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार ये संख्या है ना 4 × 9, तो इसमें 3 × 9 लिखिए और 1 को 8 कर दीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार इसमें 5 को है तो 4 × 9 लिखिए, 1, 2, 3 और 4 और 1 को 8 कर दीजिए। अब क्या करना है, यानी कि अब जो है इस वैल्यू को क्या करेंगे, जैसे कि है ना इसमें यानी कि 2 × 9, तो 1 को 0 लिखिए और 1 को 1 लिखिए, और इसमें 3 को 9 है तो इसमें 2 को 0 और 1 को 1, इसमें 2 को 0 और 1 को 1, और इसमें 4 को संख्या है तो इसमें 3 को 0 और 1 को 1 होगा, 1, 2, 3 और 1, 4, और इसमें यानी कि 5 को संख्या है तो 4 को 0 और 1 को 1 होगा, इसमें 5 को 0 पड़ेगा, सॉरी 4 को, 1, 2, 3, 4 और 1, यही मेरा आंसर हो गया। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो इसको गुना कीजिए, देखिए सैंपल सा बेसिक से 99 को अगर 99 से गुना कीजिएगा तो इतना आना चाहिए, ठीक है ना, इतना आना चाहिए। 9 × 81 = 1, ठीक है। 9 × 81 = 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 89, ठीक है। फिर वही संख्या होगा ना भाई, सेम है तो देखिए ना, 1 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, देखिए 1, 9, 10 के 0 हाथ में, 9, 8, 17, 1, 18 के 8 हाथ में, 8, 1, 9, अरे भैया 98 = 1 क्या ना हुआ, सही हुआ कि नहीं, देखिए ना। तो उतना बैक्स यानी कि इतना लंबा प्रोसेस है, काहे बनाइएगा, अगर मालूम रहेगा ठीक तो आराम से बना लीजिएगा इस पे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।